Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. Today we will learn math subject. Okay, and in the math subject, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? Collection, right? तो collection में आज हम एक नया topic सीखेंगे. Join the object to other object. उसमें हमें same object को दूसरे object के साथ join करना है. जैसे यहाँ पे three object है और सामने भी three object है. तो हमें इन्हें ज्वाइन करना है ऐसे. तो ये क्या हुआ? ज्वाइन द ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट हुआ ना ऐसे. यहाँ भी थ्री ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी थ्री ऑब्जेक्ट है, राइट? अब हम वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ पे दो ट्रीज है और यहाँ पे दो क्रिसमस ट्रीज है ना. तो अब हम इन्हें एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे. जैसे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ और ये ऑब्जेक्ट को यहाँ, है ना. तो अब हम यही चीज नोटबुक और टेक्स्ट बुक में सीखते हैं. तो अभी हमने क्या सीखा? बोर्ड पे जॉइन द ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, है ना. तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 गॉगल्स है ना. और सामने 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? कैरेट है ना. तो ये ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना. तो ये ऑब्जेक्ट इससे जॉइन हुआ, ये ऑब्जेक्ट इससे, क्योंकि दोनों 5, 5 है ना. तो 1 to 1 जॉइन होगा, उसे क्या बोलते हैं? जॉइन द ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट. जो दो चीजें अलग अलग हैं उन्हें एक दूसरे से जॉइन करना सेम काउंट में, उसे क्या कहते हैं? जॉइन द ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, है ना. जैसे ये डग है ना, इसे हम यहाँ से ऐसे जॉइन करेंगे. ओके, इसे हम यहाँ से ऐसे जॉइन करेंगे. और ये हो गया लास्ट वन. तो ये क्या हुआ? जॉइन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को जॉइन किया. ये ग्लव्स को हम दीवे से जॉइन करेंगे, है ना. इस ग्लव्स को दीवे से जॉइन करेंगे, हुआ ना. ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग चीज है. ग्लव्स और दिया दोनों अलग है ना. वैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट में भी कर लेंगे, देखो, है ना. आपको भी ये कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है. हो गया जॉइन, है ना. तो अब हम नोटबुक में भी करते हैं. देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं ऑब्जेक्ट, आपको भी कर देने हैं अपनी बुक में, ठीक है. आप अलग ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको मैम के जैसा ही करना है. ओके, जैसे ये 1, 2, 3 सर्कल है, तो सामने दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है? 1, 2, 3 स्क्वायर है ना. तो हम इसे ऐसे जॉइन करेंगे, 1 circle to 1 square, 1 circle to other square एंड लास्ट सर्कल टू अदर स्क्वायर. तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग से जॉइन हुआ ना ऑब्जेक्ट से. जैसे ये 1 है तो हम इस 1 से इसे जॉइन करेंगे, ये 2 को इस 2 से जॉइन करेंगे और 3 को 3 से. तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ जॉइन हुआ ना. वैसे ही ये ट्राइंगल है, जिसे हम इस रेक्टेंगल से जॉइन करेंगे. इस ट्राइंगल को इस रेक्टेंगल से और इस ट्राइंगल को इस रेक्टेंगल से. तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट जॉइन हुए ना. अब आपको यही चीज सेम होमवर्क में भी लिखनी है बच्चा, ठीक है. बाय.